हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायो मॉलिक्यूल्स, या क्या कह सकते हैं अपन, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। कल और डिस्कस किया था कि अपन उसके अंदर हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, फिर बात की थी उसको कि ऐश और जो बात उसको लेकर जो ड्राई वेट है या उसकी जो वीट वेट है उसको कंपेयर करके अपन ने उसकी चार्ट बनाया था। आज है अपन बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा टू टाइप्स के बायो मॉलिक्यूल्स अपन स्टडी के लिए डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा मैक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो और माइक्रो है अटैच साथ में अपन इसको समझ रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स के रूप में, क्योंकि बेटा ये चीज़ केमिस्ट्री में भी आपको आएगी। ये जो सिलेबस है कुछ कंपेयर में जो सिलेबस है वो आपका केमिस्ट्री में भी इसका पार्ट है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वे होंगे बेटा, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स वे होंगे जिनका जो मॉलिकुलर वेट जो है वो डाल्टन के अंदर जो कहें वो 1000 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन। इसके एग्जांपल कौन है, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे हों जो क्या होंगे बेटा, जिनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वह लेस देन 1000, हजार से थोड़ा, डाल्टन इसका जो कह सकते हैं इसका जो यूनिट है। माइक्रो मॉलिक्यूल जो होंगे लेस देन 1000 डाल्टन। इसके एग्जांपल कौन है माइक्रो में, सुगर, एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। अब अपने जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर बेटा सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो दो तीन जगह इसमें चैप्टर में लिखा है प्रोटीन, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में जिसको अपन एक साथ ही यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो डिस्कस करते हैं अपन प्रोटीन के बारे में जो कौन सा है बेटा, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है प्रोटीन। जी प्रोटीन्स आर, दिख रहा है बेटा, सॉरी थोड़ा सा और नज़दीक ले लेते हैं हम, फिर और डिस्कस करेंगे इसको। हाँ, प्रोटीन्स आर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स डेट कैन परफॉर्म डिजर्व रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्स। दे हेल्प मेटाबॉलिज्म बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड बाय एक्टिंग ऑफ एंजाइम कैरियर्स एंड हार्मोन्स। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स। प्रोटीन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, वह कौन है बेटा, ए जिसको शॉर्ट में कहते हैं, एमिनो एसिड है, ठीक है ना। और सबसे पहली बात आती है प्रोटीन क्या है, किसने ये वर्ड दिया था बेटा, बर्जीलियस ने इसको सबसे पहले वर्ड इसको चूज दिया था, बताया था। और इसका मीन क्या है बेटा, पर्टिकुलर जो मीन है, जो उसका मीन है बेटा, फर्स्ट रैंक, आगे अब चलने वाला, आगे आने वाला प्रोटीन फर्स्ट रैंक। प्रोटीन के अंदर जो कंटेन है वो कौन कौन है, CHO तो हिट है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में इसके साथ होगा नाइट्रोजन जो इसके कंटेन के रूप में होगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड, इसी से मिलके क्या बन रहा है, एमिनो एसिड बन रहा है। और हमारी बॉडी के अंदर जो है बेटा NCERT बुक के जो बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू 21 डिफरेंट टाइप एमिनो एसिड्स आर अवेलेबल, जैसे एलिनिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, लाइसिन है, ठीक है, 21 प्रकार के जो है एमिनो एसिड्स अवेलेबल है। प्रोटीन कैसा है, एक जो मॉलिक्यूल है मैक्रो मॉलिक्यूल तो है बेटा, लेकिन ये हेट्रोपॉलीमर भी है। हेट्रोपॉलीमर क्यों है, क्योंकि आगे जैसे इसका एमिनो एसिड का डिस्कस करें, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाकर एक बहुत बड़ा चैन बना लेंगे, ठीक है, तो बहुत कंटेन है इसके साथ में, इसलिए ये हेट्रोपॉलीमर कहलाता है। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रोटीन भी है बेटा जो आपकी बुक में आया है। एसेंशियल एमिनो एसिड वो एसिड्स हैं बेटा जो क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं हो रहे हैं, उसको अपन फूड से अपन बॉडी में ले रहे हैं,
फूड सप्लीमेंट्स के रूप में से खाने के साथ जो उसके साथ आउटसाइड से सोर्सेज है वहाँ से उसको बॉडी में एंटर कर रहे हैं एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल वे एमिनो एसिड्स हैं जो क्या कर रही है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना बेटा, बाहर से जो अपन सोर्सेज से फूड के अंदर अपन इसको और नहीं ले सकते। थोड़ा सा बेटा ये कन्फ्यूजन वाला वर्ड है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, वापस थोड़ा सा समझ लो। एसेंशियल एमिनो एसिड्स वे एमिनो एसिड्स का ग्रुप है जो अपन हमारी बॉडी उसको नहीं बना रही है, उनको हम बाहर से जो है फूड के सप्लीमेंट्स के रूप में अपन न्यूट्रिशंस के रूप में अपन बाहर से ले रहे हैं, जैसे स्टार्डिन है, लाइसिन है, मेथाइनिन है, ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल में जो क्या कर रहे हैं बेटा कि वो एमिनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी तो बना रही है, हम उनको फूड सप्लीमेंट के रूप में से बाहर से नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है बेटा जो आपकी बुक में है स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड, इसको थोड़ा सा देखना। बुक में आ रखा है और अभी सारा डिक्लेयर हो जाएगा। एमिनो एसिड क्या है, हम जानते हैं कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, जो छोटी से छोटी यूनिट है वो कौन है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड में बेटा थोड़ी सी केमिस्ट्री को अपन को देखना पड़ेगा, केमिस्ट्री अपन जानते ही हैं। ईच मॉलिक्यूल कंटेन ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन, अल्फा बीच वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन है। क्यों कह रहे हैं बेटा, टू विच बोथ एन एमिनो एंड टू विच बोथ एन कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच, द रिमेनिंग द बॉन्ड्स ऑफ अल्फा कार्बन एटम आर जनरली सेटिस्फाई बाई हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बेटा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कार्बन की जो वैलेंसी है सबको पता है अपने पास चार है, फोर है, तो एक इस पे ये अटैच होगा कार्बोक्सिलिक, एक इसके साथ अटैच होगा इस बॉन्ड के बनाएगा एमीन में, और एक होगा बेटा आर जो अपन कह सकते ग्रुप के रूप में, यहाँ पे सारे के सारे मिथाइल एथाइल कुछ भी ऐड होगा तो, और ये होगा बेटा हाइड्रोजन। तो इस वजह से जो ये सी ए है, ये जो कार्बन है एमिनो एसिड का, ये कार्बन यहाँ पर अल्फा कार्बन कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो ये एमिनो एसिड का एक जो कह सकते जनरल फार्मूला है, ठीक है ना बेटा, इसका जनरल फार्मूला है ये रहा, ये का ही मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया है। कार्बोक्सिलिक है, एमीन है, आर ग्रुप है और एच है हाइड्रोजन है। अब इसी से आपकी बुक में क्या है बेटा, तीन एग्जांपल दिए हुए हैं। तीन एग्जांपल कौन से हैं, ये रहा ग्लाइसिन, एलाइनिन और शीरीन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इजी हो जाएगा कि जो आर ग्रुप है बेटा, आर ग्रुप क्या होता है, चेंजेबल है, चेंज हो रहा है, जिस वजह से इसके बाद अपन को 21 एमिनो एसिड मिल रहे हैं। एच आ गया तो ग्लाइसिन है, CH3 आ गया तो एलिनिन है, CH2OH आ गया तो सीरीन है, ऊपर की जो है सारे के सारे सेम है, तो चेंज कौन सा हो रहा है, आर ग्रुप चेंज हो रहा है और उसका नेम और करेक्टर जो कह सकते हैं करेक्टरिस्ट चेंज हो रहा है एमिनो एसिड का। बस इतना सही आपको ध्यान रखना है। तीन एग्जांपल आपकी बुक में है जो आपकी उसमें से ये यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है बेटा। अब एमिनो एसिड क्या करेगा बेटा कि कुछ एमिनो एसिड जो होता है आपकी बुक में आ रखा है कि जो ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज द आयनोडाइज, बिल्कुल आयन के रूप में जो क्या करते हैं आयनिक नेचर के रूप में एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में क्या करते हैं बेटा चेंज करते हैं, जिसकी वजह से एक जीटर जो कह सकते हैं जीटर आयन्स के रूप में डेवलप होता है, ये भी आपकी बुक में आ रखा है, तीन फॉर्म आ रखी है बुक में, क्लियर। उसके बाद बेटा अपन डिस्कस करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है और पूरा स्ट्रक्चर प्रोटीन का कैसे बनेगा, ठीक बेटा, नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।